अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमने एक नई रेसिपी तैयार की तो सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक कर दिया करें मेरी मोटिवेशन के लिए। सबसे पहले हमने 1 kg चिकन लिया है, उसे अच्छी तरह धो लिया है हमने। पैन को चूल्हे पर चढ़ा देंगे। पैन जब अच्छी तरह गरम हो जाएगा अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छी तरह गरम कर लेंगे हम लोग। जब ऑयल गरम हो जाएगा हम सबसे पहले इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छी तरह भून लेंगे। प्याज अब ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। जब तक चिकन का कलर ना चेंज हो जाए हम तब तक इसमें चम्मच को अच्छी तरह हिलाते रहेंगे। अब हम इसमें साल्ट नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसे। आप लोग देख सकते हैं चिकन का कलर काफी चेंज हो गया। अब हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये हमने टमाटर ले लिए। टमाटर हमने 3 लिए थे, उनके हाफ हाफ पीस बना लिए थे, वो टोटल 6 पीस बन गए। तो इस तरीके से हमने टमाटर को ऐड कर देना है। अब हम इसे कवर करके 15 मिनट पकाएंगे अच्छी तरह। अब 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन उतारेंगे। टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं, हमने इस तरीके से इनका छिलका उतार लेना ऊपर से। अब हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। लाल मिर्च हसबे जायका वो भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ सब्ज मिर्च ऐड करेंगे। कसूरी मेथी भी
ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं और कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। विदाउट मैरिनेशन भी आप लोग अच्छी सी चिकन कढ़ाई बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाई है, बहुत ही इजी और झटपट तरीके से। इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी, आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे, थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही मज़े की बनी है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ऐड करेंगे, ये भी ऑप्शनल है, अच्छी तरह मिक्स कर लें। अभी हम इसे डिश आउट कर देंगे। अगर आप लोगों को आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।